अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, खैरियत के साथ रहें। तो आज हम बहुत ही आसान सी एक रेसिपी बनाएंगे, कॉर्न सिरप की, जिसे ग्लूकोज सिरप भी कहते हैं। कॉर्न सिरप भी ये वही बना रहे हैं जो बहुत सी मिठाइयों में भी इस्तेमाल होता है या वैसे भी किसी स्वीट डिश में। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें। एक कप ली है चीनी और आधा कप है पानी, एक टुकड़ा है छिलके समेत लेमन का। जूस नहीं डालेंगे, लेमन का पीस इस तरह डालेंगे छोटा सा, और एक पिंच नमक। सबसे पहले बाउल के अंदर डालेंगे, पैन के अंदर चीनी एक कप और आधा कप पानी, और गैस को करेंगे ऑन। मिक्स करेंगे चीनी को और एक पिंच डालेंगे इसके अंदर नमक। ये नमक है ये डाल देंगे इसके अंदर, और जब इसको बॉयल आने लगे तो फिर इसके अंदर डाल देंगे लेमन का पीस छिलके समेत ऐसे ही। और अब हम इसको चम्मच के साथ इस तरह चलाते रहेंगे और 6 से 7 मिनट हम इसको पकाएंगे। छः से सात मिनट पकाने के बाद फिर हम इसको गैस को करेंगे बंद। ये देखें इस तरह ये तैयार है। अब गैस को कर देंगे बंद और इसको ठंडा करेंगे। तो ये ठंडा हो गया। अब हम इसको किसी एयरटाइट कंटेनर में या फिर किसी कटोरी में इस तरह डाल के तो फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत ही काम की ये चीज़ है। कोई भी मिठाई बनाए या कोई भी स्वीट जिसके अंदर आपने डालना हो ये आप डाल सकते हैं। तो ये तैयार है कॉर्न सिरप। जैसे ये और ठंडा होगा तो और थिक हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। ये बिल्कुल फ्री है और मुझे रहेगा आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स का इंतज़ार। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।